हेलो दोस्तों, देखिए आज क्या बन रहा है। आज बन रहा है कंडाली का साग पालक के साथ मिक्स करके, बहुत ही टेस्टी होता है। ये लोहे की कढ़ाई में बन रहा है, मज़ेदार। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को सुभाशीष, बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे से, और आज है कुछ खास दिन। वैसे मुझे याद नहीं था, पर मेरे बेटे को याद था, क्योंकि आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे, यानी कि जन्मदिन। वैसे तो हम लोग मनाते नहीं, पर बच्चों की जीत पे हम मना रहे हैं। बच्चों के बर्थडे हम मनाते हैं, पर अपने बर्थडे हम नहीं मनाते हैं। तो बेटे को याद था कि आज पापा का बर्थडे, तो उसी ने ही सारी तैयारी करी है। कहाँ गया मेरा बेटा? और रात का खाना भी वही बना रहा है। वो बना रहा है आज मटर पनीर, और वो अपने पापा के लिए केक भी ला गया है। और पापा को हमने कुछ नहीं बताया, अपने हस्बैंड को, और हम बनाने खाना बना रहे हैं अपने देवर के घर पर। मेरे पति देव ड्यूटी से आने के बाद चले गए हैं दुकान, तो दुकान से हम उनको यहीं पर बुलाएंगे। उनके लिए होगा सरप्राइज, क्योंकि उनको हमने नहीं बताया है कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनको आदत भी नहीं है इस चीज़ की। तो वो डांटेंगे भी शायद हमें कि क्यों क्यों है ये सब कुछ, लेकिन शायद खुश भी होंगे कि मेरे बेटे ने मेरे लिए केक लाया है और खाना बना रहा है। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे फौजी साहब, और ये हमारा बड़ा बेटा, ये देख रहे हैं टीवी, और एक गेस्ट आ रखी है हमारी फ्रेंड, जो घर यहाँ पे थोड़ी देर के आई थी, पर हमने रोक लिया। हमने कहा अब यहाँ से डिनर करके ही जाएगी ये, तो अब हम खाने बनाने की तैयारी करते हैं। और दो मेहमान हमारे ये भी आ रखे हैं, इनकी पड़ गई छुट्टियाँ, तो ये आ रखे अपनी बुआ के घर। एक बुआ के घर आ रखा है, एक मौसी के घर ना, यानी कि मेरी देवरानी की एक भाई का बेटा है और एक बहन का बेटा है। अब हम देखते हैं खाने की तैयारी, बेटा क्या कर रहा है। यहाँ पे आ चुके हम किचन में, ये है मेरा बेटा और ये देवरानी ऋषि। तो आपको कैसे लग रहा है आज अपने पापा का बर्थडे मना रहे हो ऋषि? मज़ा आ रहा है, और ये खाना बना रहा है। इसको खाना बनाना पता नहीं क्यों इतना पसंद है। ये काट ली है इसने, पनीर काट दी है, और मटर छिल रही है। अनीता छिल रही है मटर, कुछ बच्चों ने छिले हैं, कुछ ये छिल रही है मटर। बस हमें टेंशन होती है कि हमारे बेटा मतलब कितने बर्तन जूठे करने वाला है। पकाने के लिए तो तैयार है, पर जूठे कितने करेगा ये नहीं पता। ये इसने प्याज भी चॉप कर दिया है, और इसकी कढ़ाई चढ़ चुकी है गैस पे। अब मैं आटा गूंथती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। आप भी मेरे पति देव को जन्मदिन की बधाई दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, मेरा मास्टर शेफ लग चुका है काम पे, और कान में लगा रखी है इसने लीड, वो भाई ब्लूटूथ, वही गाने सुनते सुनते काम कर रहा है। और इसने कर दिए हैं टमाटर और प्याज फ्राई, और हरी मिर्ची भी डाली है, और इसने पनीर को भी फ्राई करके पानी में भिगा के भी निकाल दिया है, जो इसमें तेल था सब निकाल दिया है। और मटर यहाँ पे तैयार हो गई है, आगे बनाता रहेगा, मैं दिखाती हूँ कैसे बनाता है ये। जो बनाता है बहुत टेस्टी बनाता है। इससे हमारी भी गंदी आदत पड़ गई, हम अपने बेटे से ही खाना पकाने लग गए, मतलब कभी कभी स्पेशल फंक्शन में। वैसे हम मैं खुद बनाती हूँ, और जब कुछ खास होता है तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ बनाने के लिए, तो वो बनाता है। वेंडन माइशन। दोस्तों, मेरे पति देव आने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहली बार मनाया जा रहा है मेरे पति देव का ऐसे बर्थडे, पहली बार मना रहे हैं, वो भी बच्चों के द्वारा। चलो भाई, लाइटें खोलो भाई, लाइटें खोलो।
और केक बनाए बेटे ने अपने पॉकेट मनी से, जो इसकी पॉकेट मनी बची थी इसने अपने पापा के लिए केक लाया है। और कैंडल जल चुकी है और पति देव जी काटेंगे आज पहली बार लाइफ में केक। चाकू लेके आ रही थी, हाथ से नहीं कटता केक। चलो आ जाओ केक काटो। चलो भाई पहले अपने बेटे को खिलाओ, क्योंकि बेटे ने ही याद दिलाया है कि आज पापा का बर्थडे। स्पेशल गिफ्ट मिल रहा है। जल्दी फाड़ो, बड़े खुश हो गए देखो गिफ्ट देखो, क्योंकि गिफ्ट मिला है इनकी पसंद का। मैं मुंह तो दिखा दो अपना, कितने खुश हो रहे देखो। अब मैं दूंगी इनको गिफ्ट, क्योंकि ये बहुत चिड़खुटे राम और मैं इनके लाई हूँ हंसता हुआ एक बुद्धा। स्पेशल गिफ्ट हंसता हुआ दे रहा, क्योंकि मेरे पति देव को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो मैं इनके लाई हूँ पूरा हंसता हुआ दे रहा। तो ये है स्पेशल, इसे देख के थोड़ा मुस्कुराते रहेंगे, इसे नहीं गुस्सा ज्यादा आता है। देखो सबको हंसते बढ़िया। चलो भाई मम्मी को भी खिला दे भाई केक। छोटे पापा को सबको खिला दे, पापा ही खाएंगे ना, पापा को दे। चलो अपने भाई को खिलाओ भाई, छोटे भाई को खिलाओ। आप खा रहे हैं पूरा तोड़ो। हाँ बचपन में तो बनाया नहीं था, बुढ़ापे में मनाया जा रहा है बर्थडे, जब 50 साल की उम्र पूरी हो गई मेरे पति देव की। कोई नहीं दोनों खिला देंगे दूसरे को। फोटो खींचता हूं मैं, फोटो खींचता हूं। ऐसी 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 हो गया, खिलाते बस खिला दिया, लेट हो गया। अनीता को भी दो भाई। और ये लाए बच्चे पेटी। अब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ यही कर लेते इंतजाम। तो हमारा खाना बन चुका है, बच्चे खाने लग चुके हैं खाना। इनसे पूछा जाएगा कि खाना कैसा बना है। और मैं आपको एक बता दूं कि आज 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर को आता है मेरे पति देव का जन्मदिन, क्योंकि अगर मैं अगली बार भूल जाऊं तो मुझे भी याद रहे कि 30। तो बताइए जी पनीर कैसी बन रखी है, फोटो देखा उन्होंने तो खा भी लिया। ओनली रॉन्ग आंसर्स, खाली खाली है। कैसा बना? अच्छा टेस्टी टेस्टी। और मेरे पतिदेव से पूछा जाएगा कि उन्हें कैसा लगा आज बर्थडे मना के पहली बार लाइफ में अपने बेटे के द्वारा सरप्राइज, कैसा लगा जी आपको? बहुत अच्छा लगा सच्ची। आगे बन रही है रोटियां। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। तो बच्चों बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। ऋषि अब इधर को आ जा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो सभी कीजिए। मैं आपको ऐसे एंजॉय कराती रहूँगी, हंसाती रहूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय। चलो रे दोनों के दोनों बाय बाय कर दो, ये भी दो बाय बाय। अब हम बनाते रोटी।